हम बात करते हैं दुनिया भर के आंकड़े की। दुनिया में 175 देशों में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 5 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। और इटली की बात करते हैं, इटली में कोरोना के 6153 और नए केस सामने आए हैं और अब तक 80,539 केस दर्ज किए गए हैं। लगातार मामले बढ़ते हुए इटली में 6153 और नए मामले सामने आए, इसके साथ ही 80,539 केस दर्ज किए गए हैं। इटली की बात हम कर रहे हैं और इटली में अब तक 662 की मौतें हो चुकी हैं और साथ ही न्यूयॉर्क में भी कोरोना वायरस से अब तक 385 मरे हैं, 385 मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हो गई है और कोविड-19 टेस्ट के लिए 35 प्राइवेट लैब को मंजूरी। अंडमान में दूसरा पॉजिटिव केस निकल कर सामने आया। कहा यह जा रहा है कि कोविड-19 टेस्ट के लिए 35 प्राइवेट लैब है जिनको मंजूरी दे दी गई है और साथ ही अंडमान में दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। पहले संक्रमित शख्स के साथ यात्रा की थी। और बात हम लगातार हिंदुस्तान की भी कर रहे हैं, देश में क्या आंकड़ा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कल एक दिन में 2 मौतें हुई थी, उसके बाद से लगातार मामला बढ़ रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं और राज्य में इसी के साथ ही मरीजों की संख्या हो गई है 45। और बात मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 5 और कोरोना केस आए हैं। शहर में अब तक 15 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही दुनिया भर के साथ ही हिंदुस्तान में भी हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहां पर क्या कुछ चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से।